आ चुके हम बॉर्डर पे और इससे आगे जाना अलाउड नहीं है। इसके पीछे भाई चाइना है पूरा। कैसा लग रहा भाई भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे खड़ा होके? ये देख रहे भाई फोटो खिंचाने के लिए कहाँ चला गया बर्फ के ऊपर। भाई कितना ज्यादा बुरा जल रहा है पहाड़। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ रोड ट्रिपर्स 128। तो अभी रुक जाएगा साले। अरे 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 ये क्या कर रहा है? पैनलेस है, सही तो लग रही है। हां भाई संजय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई ये अपना रूम है और यहाँ से आज सुबह सारे भाई रेडी वेडी होकर निकल रहे फटाफट से। ये मैंने वही डाली जैकेट जो कल पहन रखी थी भाई, क्योंकि कितने गंदे हुए हैं यहाँ पे ठंड में, क्या गंदा होना, क्या पसीना आना, कुछ होना। सारे भाई अपने रेडी हो रखे, ये रहा हमने भी वही पहनी है, सबने वही पहनी है भाई। ये अपना रूम है भाई और अपने रूम से भाई बाहर कुछ इस तरह का व्यू है, देख रहे भाई वहाँ ऊपर देख पा रहे वहाँ पे तो स्नो है भाई पहाड़ पे। और हम उस रास्ते से आए थे जो जंगल रास्ता, यहीं से आए थे ना कल? किधर? इधर इधर से। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मकान दिख रहा है। यहाँ भी तो जंगल है, वो भी तो ऐसे जंगल रहा होगा। हाँ, देख रहा है कितना घना जंगल है, जंगल है वो ज्यादा बड़ा है। तो भाई अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से रेडी वेडी होके। अरे चप्पल काम गई मेरी, नहीं चलते यार। गाड़ी वाड़ी में सामान सामान रखते, सारा सामान देखो ऐसे बिखरे पड़े, बैग बुक सब ऐसे बिखरे पड़े। ये अपना होम स्टे था जहाँ पे हमने स्टे करा है, ये देखो ये होम स्टे। चलते यार भाई, नीचे चलते गाड़ी में। तो भाई आ गए अपनी गाड़ी में नीचे और सारा सामान वामान रख दिया गाड़ी में, पानी की बोतल भर के, और निकलते हैं फिर यहाँ से आगे। घूमेंगे यार थोड़ा चितकुल घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये देखना भाई यहाँ पे तो बर्फ़ जम रखी है रोड पे, जो पानी है ना ये पानी जम गया, देख रहे भाई ये पूरा पानी जम रखा रोड पर, पूरी ब्लैक आइस। आराम से फिसलन होती है इस पर, आएगा भी नहीं पानी मेरे हिसाब से, जम गया होगा। हाँ नहीं आ रहा ना, चल छोड़ा जा बैठ, नीचे भर लेंगे, रिवर साइड में भर लेंगे कहीं से, चलो जा। तो भाई सेल मार के देखते हैं, एक सेल में स्टार्ट होती है यानी गाड़ी, जय बोलेगी। वो तो गई भाई, पर थोड़ा लंबा सेल्फ लिया है और सुई ऊपर नीचे हो रही है। ये सामने अपना होम स्टे था, यहाँ पे हमने स्टे किया था कल, हिमालयन ट्राइब शेनांग। अब यहाँ से हम सीधा ऊपर निकलेंगे आगे घूम फिर के, फिर बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा होता है, क्या क्या करते हैं आज। शेर शेर। तो भाई सारे भाई गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं अब आगे, और अभी हम जा रहे हैं पहले तो बॉर्डर पे जाएंगे, जिसे कहते हैं कि भाई इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, उसके बाद फिर चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जाएंगे हम और देखते हैं बाकी आज का दिन कैसा होता है। तो अपनी भाई जर्नी बढ़िया रहे, सेफ रहे, बढ़िया ट्रैवल करें हम, तो लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं भाई। बोल शंकर भगवान की जय। रोड पे ऊपर से पानी बहता हुआ था तो यहाँ पे जम गया पानी, ब्लैक आइस बन गया, देख रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा स्लोली स्लोली चलाना पड़ता है। आ चुके हम बॉर्डर पे और इससे आगे जाना अलाउड नहीं है। ये देखो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ITBP वेलकम टू एट नागस्ती, नागस्ती चेक पोस्ट है, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे फिर भाई बॉर्डर लग जाता है, इससे आगे भाई चाइना है। दिखाऊँ आपको, सामने आपको दिख रहा होगा भाई, इससे आगे ना वहाँ पे पूरा चाइना बॉर्डर है। कैसा लग रहा है भाई भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे खड़ा होके? प्राउड फील हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है ना भाई। देखो भाई क्या मस्त लोकेशन है यार, और यहाँ पे भाई मकान मकान भी बहुत कम है, जो भी है भाई वो सामने पूरा आर्मी का ही है। वहाँ पे देखो भाई ऑफिसर वगैरह खड़े भी हो रहे यार, सर वो देखो जो सामने जो वाला पार्ट दिख रहा है ना भाई, इसके पीछे भाई चाइना है पूरा, वहाँ पे सामने चेक पोस्ट है भाई। वापस जा रहे भाई यहाँ से मिल के सर से, और बात करी उनसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भाई एल्टीट्यूड है ना भाई 11,286 फीट, अभी हम इस टाइम पे इतने ज्यादा हाइट पर है। रिवर पे जाओगे क्या यार? पैदल तो मजा है ना, पैदल तो चलने में मजा भाई, गाड़ी साइड में लगा देंगे, गाड़ी वहीं लग जाएगी बगल में, आराम गाड़ी भी धुल जाएगी, साफ कर लेंगे वहां, गाड़ी साफ कर लेंगे, देखते अगर रास्ता मिलेगा तो गाड़ी लेके जाएंगे रिवर पे। ये पहला चेक पोस्ट है, इसके आगे एक और चेक पोस्ट आता है, उसके अभी समर्स में वहाँ पे जाने देते हैं, अभी यहाँ पे नहीं जाने दे रहे क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ तक जाना, और गाड़ी तो यहीं तक अलाउड है, इससे आगे अलाउड नहीं है गाड़ियाँ, ठीक है। और सर से मैंने बात करी तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और मतलब अभी चाइना जब मैं बता रहा था ना कि भाई इन पहाड़ों के पीछे भाई ये पहाड़ भी अभी इंडिया में ही आते हैं, इन पहाड़ के पीछे लगभग हाँ पहाड़े लगा ले, हाँ दो पहाड़ मतलब 80 किलोमीटर यहाँ से बता रहे कि 80 किलोमीटर के बाद चाइना स्टार्ट होता है, अभी ये सारे इंडिया के अंडर में। व्हाइट कलर का वही तो फायदा है, देख गाड़ी कितनी साफ लगती है, पास आगे देख, पर फिर भी मतलब व्हाइट मैंने पता नहीं चलता कि जितनी गंदी है, साफ सुथरी लगती है व्हाइट, साफ लग रही है। देखो ये गंदी है, ये गंदी हो रखी है ना, ये देखो यहाँ यहाँ पे गंदा हो रखा है, ये देखो सारा गंदा हो रखा है, पर लगता है दूर से कि गाड़ी एकदम साफ है। चल भाई संजय बैठते गाड़ी में,
भाई वहाँ से तो आ गए हम बॉर्डर से और अभी हम जा रहे इधर नीचे रिवर साइड जा रहे हैं। ये पहले आया हुआ है ना रवि, तो कह रहे कि आप नीचे रिवर साइड, भाई बहुत सही व्यू लगता है, वहाँ जाना भाई सामने उधर उस रिवर पे जाना है। ये जो रिवर जा रही है ना वहाँ जाएंगे, यहाँ तो बर्फ भी जमी पड़ी है भाई रिवर पे। कौन आएगा यहाँ पे? ये देखो भाई ये जमी पड़ी इधर बर्फ। अरे तो वैसे यार ये देखना, अभी मैं इस पर खड़ा हो जाता, देख लिया मैंने हाथ डाल के। ये ले भाई मुकुल भाई, अरे फेंक के मार। ओए ये देख रहे भाई फोटो खिंचाने के लिए कहाँ चला गया बर्फ के ऊपर, आराम से पकड़ के लाइए उसे इधर, कहीं गिर जाए वहीं। चले भाई, चल भाई चल रहे अब, बहुत फोटो वोटो खिंचा। चलो भाई लेट्स गो। क्या कह रहा था? चलो गर्मी गर्मी हो रही है, ऐसे कुछ क्या बहुत हो रही है, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी थी भाई, पर बहुत गर्मी है यार, बहुत अच्छी लोकेशन थी यार, मजा आ गया था, बहुत प्यारी थी। तो भाई बस चितकुल से निकल चुके हैं अब हम यहाँ से, और अब हम जाएंगे भाई शिमला, और आज का स्टे शिमला ही अपना, देखते भाई कब तक गाड़ी पहुंचते हैं। अभी लोकेशन मेरे को पता नहीं कितनी एग्जैक्ट, तो है काफी दूर का रास्ता। क्या कहाँ से नीचे जाना? आजा बैठ जा, कंबल कोट ले ले अपने, नीचे बिल्कुल नीचे, ठीक हाँ ठीक है बैठ जा, अरे कोने में ले लो, बैठ जा छोटे। चलो भाई रक्षम, रक्षा में गाँव आपका घर है? रास्ते में ही पड़ता है, पहला गाँव चितकुल से पहले वो ही, पूरा जंगल है भाई। हम कल रात को वैसे आए थे इस रास्ते से, और रास्ते में मतलब उस टाइम तो अंधेरा था कल रात को, इसलिए उतना हम कुछ दिखा पाए नहीं, बट इस टाइम पे देखो भाई कितना खतरनाक जंगल है, ऊपर तक पूरा वैसे ही, और नीचे लेफ्ट राइट, अभी आगे देखना आगे और भी खतरनाक है। यही रोकनी है, साइड में रोक दे भाई इसको, उतारती हूँ। बाय बाय, भाई इतनी पतला सा रास्ता है ना, अब यहाँ पे देखो हिमाचल रोडवेज बस हमें आप दिखी, निकल तो जाएगी, निकल गई निकल गई, शाबाश। चला 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 चला, एक और गाड़ी आ रही है, आजा आजा भाई तू भी आजा। चलो शिमला यहाँ से भाई 7 घंटे 21 मिनट का रास्ता, 220 किलोमीटर। अरावल कितने का दिखा रहा? 8:17 बज के अरावल दिखा रहा भाई, और अभी बज रहे भाई 12:56, 1 बज गए। जल्दी वहाँ पहुँच तो सकते, जल्दी पहुँच जाएंगे। रोड बहुत प्यारे हैं, बस जो दिक्कत है ना भाई वो दिक्कत यहीं के रोड की है, यहाँ के जो रोड है ना इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बाकी जो शिमला की जो रोड है ना भाई वो रोड भाई बहुत प्यारी रोड है, आते टाइम हमने देखी थी ना, बहुत सही सही रोड है वो। कल जाते टाइम यहाँ से हमने एंट्री ली थी चितकुल के लिए, रास्ता जा रहा है पीछे, और ये ब्रिज क्रॉस करा था हमने, और वो जो सीधा रोड जा रही है ना भाई वो शिमला वाली रोड आ चुकी है। बाकी अंदर कुछ है भाई, बस पार्ट साइकिल 300 mm, पता नहीं कुछ तो है भाई यहाँ पे, बट समझ नहीं आ रहा जो भी है। और यहाँ से भाई ये ब्रिज पार करके और वो डैम है सामने, तो भाई यहाँ से हमने ये ब्रिज पार कर लिया, और लेफ्ट लेते ही ये जो सामने हाईवे आ रखा है ये भाई अपना शिमला चंडीगढ़ वाला हाईवे, यहाँ से कितना दिखा रहा है शिमला 208 किलोमीटर, चंडीगढ़ 331, आज शिमला ही जाना है वैसे हमने, और इसमें दिखा रहा है 193 किलोमीटर, 8:22, 6.5 घंटे का रास्ता भी दिखा रहा है, 6:17 का। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पे आगे कहीं पे कुछ खाने पीने का दिखेगा तो वहाँ पे पहले खाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, सारे भाइयों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सारे भाई भूखे बैठे हुए जब से। ऊपर भी देख
कहाँ खोया हुआ तू? खा ले भाई, इसको समझा ले। हाँ खा ले भाई, खा ले। बैंबे ले रहा भाई, बहुत देर से भूख लग रही थी, अब जाके रुके हुए एक जगह पे। तो भाई लस्सी भी आ गई है। तो भैया हिमाचल होटल में दोनों भाइयों ने, आशीष पाल और मुकुल पाल ने 40 रोटी टोटल खाई है दोनों भाइयों ने, 80 रोटी एक रोटी। चीता ही कहते भैया शेर ये रहा शेर, ओए बकरी बकरी पीछे बकरी, अच्छा पीछे बकरी वो नहीं जिराफ, जिराफ 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 ही कहते भाइयों ने। हाँ भाई जिराफ, कैसा था खाना? टेस्टी था ना? बढ़िया भाई, खाना बहुत बढ़िया बनाया था। और अब मतलब इतना ज्यादा खा लिया ना हमने कि अब हमसे ना एकदम से ट्रैवल नहीं करा जा रहा, हम कह रहे थोड़ी देर ना यहाँ पे वॉक करते हैं। और यार ऊपर देखो जंगल में कितनी भयानक आग लगा रखी भाई, पता नहीं किसने लगा रखी भाई, जिसने भी लगा रखी भाई बहुत गलत कर रखा है। पेड़ वेड़ भी जलने लग गए अब तो, ऊपर पूरा धुआं धुआं हो गया वहाँ तक, देख रहे हो ये आगे फैलता जाएगा ऐसे करके, वहाँ भी लगने लग गए देखो उधर वहाँ सामने। चलो यार पता नहीं क्या ही करते यार बंदे, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं भाई अब यहाँ से। साहब गलत ही सूरज है, ऑरेंज बिल्कुल। तो भाई कहाँ पहुँच गया हूँ? किन्नौर में है क्या? किन्नौर ही है मेरे ख्याल, किन्नौर में चल रहे हैं हम और रामपुर आने वाला थोड़ा। अच्छा रामपुर आने वाला, कितनी दूर है अभी भी यार? 4.5 घंटे का रास्ता शिमला तक का, 143 किलोमीटर आ रहा है होगा अभी इतना। जय बजरंग बली की, जय हो बालाजी महाराज की। तो भाई अपना टाइम हो चुका है भाई 5:39 और 3 घंटे 28 मिनट का रास्ता अभी भी है, 116 किलोमीटर अभी हम भाई रामपुर हमने क्रॉस कर दिया है और यहाँ से रह रहा भाई 116 किलोमीटर शिमला। 8:30 9 बजे इसमें वही दिखा, इसमें तो 9 बजे का दिखा रहा है, 9:07 का मतलब 8:30 9 बजे के करीब लगा देगा रवि गाड़ी, जिस हिसाब से चला रहा रवि भाई। अंधेरा भी होने को हो गया, देखो गाड़ी के हेडलाइट वगैरह जल चुके हैं सबके भाई, देख रहा है पहाड़ पर कैसा आग लगी हुई है, सामने लगी हुई है, ये बड़ी लगी हुई है, ये ऊपर वाली तो बहुत बड़ी लग रही है भाई, आग पूरा पहाड़ी कवर कर रखा है इसने ऊपर का, और ये फैलते जा रही है नीचे तक देख रहा है, और कितना ज्यादा धुआं भी हो गया इसकी वजह से भाई, कितना ज्यादा बुरा जल रहा है पहाड़, पूरे पहाड़ी मतलब आग ऐसी फैल रही है ना, पूरे पहाड़ में फैल रखी है ये आग। तो भाई 10:40 हो गए और अभी 10:30 हमने भाई यहाँ पे रूम ले लिया है शिमला में, वैसे बहुत ढूंढा सर्च कर रहे थे इधर उधर, तब जाके थोड़ा टाइम लग गया था, बाकी अभी जस्ट रूम में चेक ही नहीं करा और अभी कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं करे, अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, बट उससे पहले भाई भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, तो यहाँ पे ऑर्डर था कि भाई 10:30 तक ही कर सकते लास्ट, तो इसीलिए फटाफट से पहले हमने ऑर्डर करा, वही डिसाइड कर रहे थे मेन्यू वगैरह वो देख रहा है अभी, वही डिसाइड कर रहे थे, फिर ऑर्डर वगैरह कर दिया, अभी खाना वाना खाते डिनर करते उसके बाद फिर आराम करेंगे भाई, आज बहुत थक लिया आज। एक खाना आ गया हमारा, चाउमीन है, चाउमीन है, बिरयानी, वेज बिरयानी है, और ये हॉट चॉकलेट, और ये वो है मंचूरियन, मंचूरियन अभी वो भी आ रहा तेरा सैंडविच। तो भाई सारे भाई अपना खाना खा के और लेट चुके हैं, अब थोड़ी देर में अब सो जाएंगे यार, वैसे तो नींद आ रही थी बहुत ज्यादा, बट फिर अब सारे लेटे वैसे बात बूत कर रहे हैं, तो अभी तो लास्ट है ना भाई डे आज। हाँ आज मतलब तो अपना नाते करके जाएंगे और गेम खेल के जाएंगे, बाइक ने 3 बार हरा दिया भाई को चेस में, भूत बना दिया, चार बार मैंने 4 बार उसने 3 बार। अरे देखो सुनो भाई, फाइनल मैच हुआ था और भाई जीते उसमें, और गंदी सीन कर दिया, गंदा रुला दिया भाई ने, भूत बना दिया पहले, मजा आ गया। तो भाई ये भाई मतलब आज अपने ट्रिप का लास्ट डे है, फिर कल दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो इसीलिए आज थोड़ा भाई एंजॉय कर रहे हैं अपना, इसीलिए हमने रूम भी थोड़ा ऐसा लिया था कि थोड़ा अच्छा रूम लेके अच्छा बढ़िया अपना तरीके से सो जाते हैं, कोशिश तो करी थी अच्छा लेने की। 300 रुपए में वर्थ ठीक तो नहीं है ये। हाँ मतलब 2300 रुपए में उतना वर्थ ठीक नहीं है, बट ठीक है ये कि भाई इसमें 1200 रुपए में वो काजा वाला रूम वो तो था ही बढ़िया, अच्छा नहीं था वो, था मस्त 1700 रुपए का हुआ था ना वो, तो बहुत बढ़िया 1300 का है वैसे वो रियलिटी में। जो भी था जैसे भी था, बट ठीक है यार अब आज बस हमें आराम करने के लिए चाहिए था बढ़िया सा, इसमें 2 बेड है भाई, मतलब 1 बेड वो रहा और 1 बेड ये रहा, तो 2 बंदे यहाँ सो जाएंगे 2 बंदे वहाँ सो जाएंगे। खाते जरूर पर वही बात पड़ रही थी कि 2 बंदे की बेड की जरूरत पड़ रही थी, तो भाई उन्होंने बोला 3 बंदे रह सकते, हाँ वही तो बात तो ये पड़ जा रही, हमारे पास 5 बंदे थे, देखो ये लेटा हुआ ये 2 के मुकाबले क्या बोले वही है। तो बस भाई फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ कर देना, और कल मिलते हैं नए व्लॉग में।
तब तक के लिए भाई बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, गुड नाइट गाइस, बाय बाय गाइस।